हेलो दोस्तों, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान बैगन खाना नहीं चाहिए। इसका क्या कारण होता है? जबकि बैगन में कई तरीके का पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ कि बैगन में इतने सारे पोषक तत्व होने के बावजूद गर्भवती महिला को क्यों नहीं खाने चाहिए, क्यों खाने से बचना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रिंजल खाने का आम तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है। बैगन एक स्वस्थ और पोषक पूर्ण सब्जी है, जिसका पोषक तत्व शरीर के लिए, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफी अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व का एक अच्छा स्रोत होता है। पर जो ध्यान देने वाली बात होती है, जो प्रेग्नेंट महिला के लिए कहा जाता है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, जब इसमें इतने फायदे होते हैं। बैगन में वो सारे गुण पाए जाते हैं जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सही होता और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सही होता, फिर भी खाने की मनाही ही होती है। इसका ये कारण होता है दोस्तों, बैगन बनाने के लिए लोग ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके शरीर पर इसका सीधा असर, आपके गर्भ पर इसका सीधा असर पड़ता है और आपके पेट के लिए, आपके पाचन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता। पहला तो ये है, पर ये तो चलता है दोस्तों, हर एक कुछ में ये समस्या है। पर दूसरा जो है, एलर्जी की समस्या। बैगन के साथ कई चीज़ों को नहीं खाया जाता, जैसे दूध नहीं खाया जाता। बैगन जब तक पच नहीं जाए तब तक दूध का सेवन कहा जाता नहीं करना चाहिए। बैगन के साथ और भी कई चीज़ें हैं, और भी कई सब्जियां हैं, जिसको साथ खाने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो बैगन को इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि एलर्जी हो जाती है, चाहे आपको हो जाए, आपके गर्भ को हो जाए, पर ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि पोषक तत्व का खजाना रहते हुए भी बैगन को इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि बैगन खाने के बाद कोई और चीज़ अगर खाती है जिससे बैगन रिएक्शन करता है, तो इसका असर सीधे आपके त्वचा पर पड़ता है, आपके गर्भ पर पड़ता है। इस वजह से बैगन का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं की जाती है। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।